को लगता है कि मंत्री जी ने क्योंकि बहुत दिनों से काम छोड़ रखा था, पूरा पढ़ के नहीं आए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह सकता हूं, मैंने भी पढ़ा था, 2015 में अनाउंस किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ एम्स बनाएंगे। ये नहीं है यहाँ की भावना की बात है, अखबार निकाल चलो, तो मैं चर्चा का विषय नहीं करता, लेकिन मैं इस बात की आपको बधाई दे रहा हूं, जो डेड लॉक बना हुआ था अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का, वो सॉल्व किया। कैसे किया आपने? नहीं, वो कैसे किया अध्यक्ष महोदय, जब मैं वकील था, मेरी बात सुनो, ये प्रश्न काल का समय है, आपके सदस्य बाद में कहेंगे कि हमें टाइम नहीं मिला। मैं तो इनको बता दे रखा हूं कैसे किया। नहीं, एक मिनट, मैं वकील था तो एक बहादुरगढ़ का थानेदार था, उसने एक वकील की बेइज्जती कर दी, वकीलों की हड़ताल हो गई, और मुख्यमंत्री थे उस टाइम या तो चौधरी भजनलाल थे या चौधरी बंसीलाल थे। काफी दिन रही हड़ताल, तो फिर उन्होंने बुलवाया, मैं भी गया उनके साथ, मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई मैं कर दूंगा, इसका समाधान निकाल दूंगा। थोड़े दिन के बाद फिर बुलवाया दिल्ली वकीलों को, उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुमने हड़ताल कर रखी थी, ये थानेदार की मैंने बदली कर दिया, डीएसपी बना के प्रमोट करके भेज दिया। तो ये काम क्या इन्होंने कर दिया काम? चलिए, अरे या तो खुद इस्तीफा देते या आप इस्तीफा देते, हो गया, काम कर रहा था। इसका मतलब ये हो गया, जिस भी अफसर को प्रमोशन लेनी है, मंत्री जी काम छोड़ दें, उसका काम करना छोड़ देंगे, और वही हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, फिर प्रमोशन हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण।